Hey everyone, welcome back to my channel Glam Beauty Zone and today I'm going to share with you some different and most probably मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. बहुत से लड़कियों के मन में एक क्वेश्चन रहती है कि उनके मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, उनके मेकअप कैकी हो जाती है, पैची हो जाती है, वो क्यों होती है. ऑब्वियसली हम सोचते हैं कि हम अच्छी तरह से मेकअप नहीं करते, शायद उसकी वजह से या फाउंडेशन की वजह से हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है गाइस. जब भी हम मेकअप करते हैं तो उससे पहले हमें अपने बेस को अच्छे से प्रेप करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अच्छे से अपनी बेस को प्रेप नहीं करोगे, आपकी मेकअप फ्लॉलेस नहीं बनेगी, ड्यूई नहीं बनेगी एंड ऑल्सो आपकी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगी, यू नो पैची हो जाएगी. सो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, इस मेकअप के कंप्लीट होने के पूरे 2 घंटे के बाद मैं ये शूटिंग कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो कि मेरी मेकअप तस से मस नहीं हुई है. वो क्यों, वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा. एंड गाइस, उसके साथ ही मैं और एक बात बता दूँ कि आप जब भी मेकअप करते हो, जब भी मेकअप करते हो, चाहे वो नॉर्मल मेकअप कर लिया, कोई पार्टी मेकअप कर लिया या हैवी मेकअप कर लिया, कुछ भी अगर मेकअप करते हो ना, तो उससे पहले आप अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना मत भूलना. मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्किन केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो करना. चलो इंट्रो को और लंबा चौड़ा ना करके वीडियो स्टार्ट करते. सो गाइस, पहले मैं अपने स्किन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी एक वाइपर की हेल्प से. एंड गाइस, एक परफेक्ट मेकअप बेस पाने की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो है एक परफेक्ट क्लीन बेस. एंड उसके लिए मैंने पहले यूज़ किया है फेशियल जेल. ये है गुड वाइब्स की फेशियल जेल. यहाँ पे मैं पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल मिक्स करके अपने पूरे फेस एरिया पे अप्लाई कर लूँगी. सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है फेशियल हेयर रिमूव. फेशियल हेयर रिमूव के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेशियल रेजर. इसे मैंने अमेजन से परचेस किया है. इनकेस आपको लेना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना. तो फेशियल हेयर रिमूव क्यों ज़रूरी है. सो गाइज, अगर आप फेशियल हेयर नहीं रिमूव करते हो तो आपकी मेकअप ग्लोई एंड ड्यूई नहीं दिखती है. अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर रहती है तो आपकी मेकअप अच्छे से नहीं बैठती है और इसकी वजह से आपकी मेकअप ड्यूई या ग्लोई नहीं दिखती है. दैट्स वाई आपको अपने फेशियल हेयर, जितनी भी फेशियल हेयर, उसे अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी एंड आपकी मेकअप ग्लो करेगी, आपकी मेकअप पैची नहीं लगेगी, कैकी नहीं लगेगी. सो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप गाइज. उसके बाद तो स्किन केयर तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये स्टेप आप ज़रूर अप्लाई किया करो जब भी आप मेकअप करने जा रहे हो, चाहे वो लाइट किया या हैवी, आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो किया करना. एंड दिस इज़ माय फेशियल हेयर गाइज एंड मैं हमेशा इस स्टेप को फॉलो करती हूँ बिफोर मेकअप. सो या एंड मेकअप करने के बाद अपने रेजर को साफ करना मत भूलना एंड इसके बाद मेकअप बेस को भी अच्छे से साफ कर लेना ताकि कुछ भी अनवांटेड हेयर ना रहे. एंड या दैट्स इट. यहाँ पे मैं अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करने के लिए स्क्रबिंग करूँगी. स्क्रबिंग के लिए मैंने लिया ममाआर्थ की स्क्रबिंग. आप देख ही चुके हो कि मैं इस स्क्रबिंग को बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है. एंड या मैंने इसे अच्छे से यूज़ कर लिया है, उसके बाद वॉश कर लिया है एंड आप देख सकते हो कि अभी से स्किन कितनी ग्लोई लग रही है ना. उसके बाद मैं फेस मास्क अप्लाई करूँगी. एल्स गुडनेस की फेस मास्क है एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे आपको मिल जाती है. 29 ml यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिलती है. सो या एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे आपको मिल जाती है. फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद फेस मास्क ज़रूर अप्लाई किया करो गाइस, इससे आपकी स्किन ब्यूटीफुली हाइड्रेटेड हो जाती है. सो फेस मास्क सूख चुकी है तो इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी. नेक्स्ट फेस वॉश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक की बायोनेम फेस वॉश. यहाँ पे आपको नीम के एसेंस मिलती है. इससे क्या होती है, आपकी स्किन की जितनी भी इश्यूज़ है, जितनी भी
अगर आपको एक्ने के इश्यूज है, रेडनेस के इश्यू है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली रिड्यूस हो जाती है काफ़ी हद तक अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो। मैंने भी इसे यूज़ किया है, सो आई लव दिस प्रोडक्ट। ये 100% नेचुरल है, सो आप इसे मोस्टली यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल रेंज पर आपको मिल जाती है। नेक्स्ट मैं गुड वाइब्स की रोजी टोनर यूज़ करूँगी, एंड दिस इज़ माई ऑल्सो फेवरेट टोनर गाइस, क्योंकि जब से ये मेरे पास आई है ना, मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ। आई लव दिस रोजिप टोनर, क्योंकि मुझे गुड वाइब्स की रोजिप रेंज बहुत अच्छी लगती है। आई रियली लव दिस। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ एल्स गुडनेस की पोमेग्रेनेट सीरम, ये बहुत ही अच्छे गाइस। ये आपको विंटर सीजन में मोस्टली यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन विंटर में बहुत ही ड्राई हो जाती है, पैची हो जाती है, तो आपको फेशियल सीरम यूज़ करनी चाहिए, साथ में फेशियल ऑयल भी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक की मॉर्निंग नेक्टर, एंड दिस इज़ सो ऑसम। एंड गाइस, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है, एंड टू गुड गाइस, टू गुड, आई रियली लव दिस। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम बायोटिक की लिप बम, एंड गाइस आई लव दिस लिप बम। ये आपको ये बायोफ्रूट लिप बम है, एंड आपकी लिप्स को बहुत ही ब्यूटीफुली हाइड्रेट कर देती है। देख चुके हो शायद, बहुत से यूट्यूबर भी यूज़ करते हैं इसे, एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। एंड लुक एट दैट गाइस, माय स्किन इज़ नेचुरली ग्लोई, दिस इज़ अ रीज़न गाइस मेरी मेकअप इतनी ग्लोई एंड ड्यूई लगती है। एंड गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक कर देना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।